सोयाबीन की फसल पर इस बार मौसम की मार पड़ती नजर आई है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब सोयाबीन की फसल भारी बारिश और बाढ़ से खराब हुई हो। लगातार पिछले कुछ सालों से सोयाबीन की फसल ऐसे ही खराब हो रही है और सोयाबीन किसानों को नुकसान हो रहा है, जिससे इसका उत्पादन भी काफी कम हो जाता है। 2021 में सोयाबीन की बुआई के समय किसानों के पास सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं था। पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही बारिश से सोयाबीन की फसल खराब हो रही थी और जो फसल किसानों के पास मौजूद थी वो दागी थी, जिससे बुआई नहीं की जा सकती थी। सोयाबीन की बुआई के समय किसानों के पास सोयाबीन की बुआई के लिए बीज उपलब्ध नहीं था, ना ही सरकार के पास था, जिससे सोयाबीन के बीज की किल्लत देखी गई थी। उस समय जानकारों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस हिसाब से सोयाबीन के बीजों की किल्लत देखने को मिल रही है, ऐसे में किसानों की बुआई का रकबा कम रह सकता है, जिससे उत्पादन भी कम ही होगा। मार्केट में फैली इस खबर के चलते सोयाबीन के दामों में जोरदार उछाल देखने को मिला था। सोयाबीन का दाम 10,000 से 11,000 भी देखने को मिला। किसानों ने भी सोचा कि अच्छी कीमतें मिलेंगी और महंगा बीज खरीदकर इसकी बुआई करनी चालू कर दी थी। आपको बता दें, उस समय बुआई के समय मानसून ने दस्तक नहीं दी थी, मौसम ठीक ठाक ही देखने को मिला था। सोयाबीन का उपयोग भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी किया जाता है। पोल्ट्री उद्योग, डेयरी उद्योग और एक्वा उद्योग को काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिससे इन उद्योगों की लागत निकलनी भी मुश्किल हो रही थी। सरकार ने फिर सोया मील के आयात का फैसला ले लिया। सोया मील इम्पोर्ट के फैसले की वजह से ही सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को इतनी बड़ी आर्थिक चोट लगी है। सरकार ने कुछ व्यापारियों के हित के लिए किसानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। सोयाबीन की नई फसल आते ही व्यापारियों ने सुनियोजित तरीके से दाम गिरा दिया, इसलिए MSP गारंटी की मांग की जा रही है, ताकि उससे कम दाम में कोई भी व्यापारी फसल ना खरीदे। सोयाबीन इंपोर्ट को केंद्र सरकार यह कहकर जरूरी बता रही है कि सोयाबीन की आसमान छूती कीमतों ने पशुओं के चारे को महंगा कर दिया है, जिससे पोल्ट्री, डेयरी और एक्वा उद्योग पर असर हो रहा है। सरकार का यह फैसला तब आया था जब किसानों की सोयाबीन की फसल 1 से 2 महीने में मंडियों में आने वाली थी। सरकार के इस फैसले के चलते सोयाबीन के दामों में गिरावट का दौर चालू हो गया। सोयाबीन के दाम जो सोयाबीन के आयात के फैसले से पहले 11,000 तक देखने को मिल रहे थे, वे अब घटकर मात्र 2,400 रुपये तक रह गए हैं, जबकि सोयाबीन की MSP सरकार ने 3,950 रुपये प्रति क्विंटल तय की हुई है। यानी कि किसानों को अब उनकी सोयाबीन के दाम MSP से भी काफ़ी कम मिल रहे हैं। वहीं हाल ही में इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि SOPA ने अपने अनुमान में कहा है कि वर्ष 2021 में सोयाबीन का कुल रकबा 119.984 लाख हेक्टेयर है। अधिक बुआई क्षेत्र और उत्पादकता में सुधार की संभावना से इस साल सोयाबीन का उत्पादन 14% बढ़कर लगभग 119 लाख टन होने का अनुमान है। सरकार का क्षेत्रफल अनुमान 123.677 लाख हेक्टेयर है। पिछले साल खरीफ सीजन में सोयाबीन का कुल रकबा 118.383 लाख हेक्टेयर था। SOPA ने कहा है कि वर्ष 2021 में पूरे भारत में सोयाबीन की फसल का अनुमानित कुल उत्पादन 118.889 लाख टन है, जो कि पिछले साल की तुलना में 14.337 लाख टन यानी कि 13.71% ज़्यादा है। वहीं SOPA के जारी सोयाबीन के आंकड़ों पर किसानों का कहना है कि भले ही सोयाबीन का रकबा बढ़ने के आंकड़े दिए जा रहे हों, लेकिन वास्तविकता में सोयाबीन का रकबा इतना नहीं हो सकता, क्योंकि जब सोयाबीन की बुआई का समय था तब सोयाबीन का बीज उपलब्ध ही नहीं था, ना ही किसानों के पास और ना ही सरकार के पास। सरकार ने सोयाबीन के बीज का आयात तक नहीं किया था तो बुआई का रकबा भला कैसे बढ़ सकता है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ बुआई के रकबे के आंकड़ों और उससे होने वाले उत्पादन के आधार पर सोयाबीन का उत्पादन कितना रहेगा ये तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि खपत और कितनी फसल खराब मौसम के चलते बर्बाद हुई है, इनके आंकड़े भी ज़रूरी हैं। और वैसे भी इस बार सोयाबीन की जो फसल है भारी बारिश से बड़े पैमाने पर खराब हुई है, जिससे इसके उत्पादन में कमी आएगी ही आएगी। किसानों का कहना है कि सर्दियों में सोयाबीन के दामों में तेजी आएगी, क्योंकि फसल काफ़ी खराब हुई है और किसान कम दाम पर अपनी फसल बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।